जो गंजे सर पे भी बालों की ग्रोथ दे सके वो प्यास, जो आपके बालों की डेंसिटी उसका घनापन बढ़ा सके वो प्यास, जो आपके बालों की मोटापा थिकनेस इंडिविजुअल थिकनेस बढ़ा सके वो प्यास, जो आपका बालों का झड़ना कम करे वो प्यास। प्यास के इतने सारे गुण हैं आपकी बालों के लिए और अब तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि प्यास जो है वो आपकी बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। यस गाइस, और प्यास से मैंने जितना फ़ायदा उठाया अपने बालों के लिए मैं आपको बता नहीं सकती, और मैंने ही नहीं हज़ारों लोगों ने प्यास के रस को यूज़ करके अपने बालों की जो काया है वो पलटी है, उनके बाल जो है वो पहले से ज़्यादा घने हुए हैं, लंबे हुए हैं, मोटे हुए हैं, जिनकी बालों की ग्रोथ नहीं होती थी वो हुई है, रिसीडिंग हेयरलाइन जिनकी होती थी उनके बाल जो है वो हर जगह पे जहाँ पे बाल की ग्रोथ नहीं थी वहाँ पे न्यू उनको हेयर ग्रोथ आई है। शायद आप ही ऐसे होंगे जो या तो प्याज का रस यूज नहीं करना चाहते होंगे, या तो आप आलसी होंगे, या आपको सही तरीका नहीं आता होगा प्याज के रस को यूज करने का, या आपको कोई प्रॉपर रेमेडी नहीं पता होगी। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। आज ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आपकी दूर कर देती हूँ। मैं आज एकदम इफेक्टिव ऐसा इफेक्टिव फॉर्मूला बता रही हूँ जिसको आपको सिर्फ आपके जहाँ पे भी आपको बॉल्डनेस है, गंजापन है, हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है, हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, बस वहां पे कॉटन बॉल से इसकी 4 ड्रॉप्स आपको डालनी है। विद इन फ्यू डेज आप अपनी न्यू हेयर ग्रोथ होते हुए देखोगे। यस गाइस, आज की वीडियो की यही खासियत है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें। अगर आप अपने बालों की न्यू ग्रोथ चाहते हो, अपने हेयर फॉल रिड्यूस करना चाहते हो, बालों को लंबा घना मोटा करना चाहते हो, और अपने ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स जैसे कि आपकी जो स्प्लिट एंड्स वगैरह होती है वो सबको भी केयर करता है, तो अगर आप अपने बालों की लिटरली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो तो आज की वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर टिक करें, और वीडियो को प्लीज़ शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि प्यास के रस को कैसे निकालना है, वो आप मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्यास के रस में ऐसी क्या एक चीज आपको डालनी है जिससे आपकी जो ये सारी प्रॉब्लम्स है वो झट से दूर होगी और विद इन फ्यू डेज आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो सबसे पहले जिनको नहीं पता है तो बता देती हूँ, प्याज भाई आपको लेना है अच्छे से 2 से 3 जितने आपके बालों की क्वांटिटी के लिए लगता है, ठीक है। रस जितना आपको लगता है, जितनी प्रॉब्लम है आपको बालों में, स्कार्फ जितना दिखता है उसके हिसाब से आपको रस लेना है, तो उसके हिसाब से आप 1 से 2 प्याज ले सकते हो, उसको इस तरह से कट कर लेना है, मिक्सर जार में डालना है, उसको एकदम बारीक पीसना है बिना पानी ऐड किए, आपको इसको एकदम बारीक पीस लेना है, और फिर उसको किसी मसलिन क्लोथ में या स्ट्रेनर से रखे इस तरह से छान लेना है, और ये तैयार हो गया आपका अनियन जूस, प्याज का रस। ये कमाल का है, इसमें प्रेजेंट सल्फर ये आपकी बालों की ग्रोथ देता है। तो प्लीज़ जितनी पंजेंट इसकी स्मेल है, जितनी स्ट्रॉन्ग इसकी स्मेल है, उतना ही ज़्यादा इसका रिजल्ट है। और एक्चुअली मुझे ये यूज़ करना इसलिए अच्छा नहीं लगता है क्योंकि ये वॉश करने के बाद भी थोड़ी सी स्मेल रह जाती है और वो मुझे बहुत ज़्यादा बौदा करती है, तो उसको मैं कैसे दूर करती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले आपको क्या करना है, ये प्याज के रस में सबसे पहली चीज़ जो आपको डालनी है, प्लीज़ मैं आपको कहूँगी कि इसको अपने पास ज़रूर रखें, ये आपके शायद घर पे होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, इसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। वाकई में अगर आप अपनी बालों की केयर करते हो, आप चाहते हो कि आपके बाल मोटे बने, थिक हो, लंबे हो, आपके बालों का झड़ना कम हो, आपके बालों की जो भी प्रॉब्लम है वो दूर हो, ये एक बॉटल आपके पास होनी ही चाहिए। और ये एल्प्स गुडनेस का मैं रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसके सारे प्रोडक्ट्स पे मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। मुझे पता है रोज़मेरी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होनी चाहिए जो मुझे रिजल्ट दे सके, इसलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। इसके लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, इसको आपको ज़रूर अपने पास रखना है। प्याज का रस और रोज़मेरी, मतलब इससे ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिलेगा फॉर ऑल सीजन्स, फॉर ऑल हेयर टाइप्स, फॉर ऑल हेयर प्रॉब्लम्स। प्लीज़ ये कॉम्बिनेशन आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आप एक प्याज ले रहे हो तो आप 4 से 5 ड्रॉप्स डालेंगे एसेंशियल ऑयल की, और अगर आप 2 प्याज ले रहे हो तो आप तकरीबन 10 से 12 ड्रॉप्स रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल की डालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ डालना है, प्लीज़ इसको भी ज़रूर डालें, और वो है विटामिन ई की कैप्सूल। ये जब आप अपने बालों में डायरेक्टली भी अप्लाई करते हो ना, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन फास्टर हेयर ग्रोथ के लिए आपको इसमें डाल के यूज़ करना है, ठीक है। आपको डालना है तकरीबन 1 से 2 विटामिन ई की कैप्सूल, और फाइनली आपको इसमें डालना है 1 से 1.5 चम्मच एलोवेरा जेल की।
ठीक है। ये सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑयल ऊपर रह गया, जूस नीचे रह गया, अच्छे से मिक्स हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको ना ये सारे जो मिक्सर है उसको आप एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर दीजिए, उसको अच्छे से ब्लेंड कर ले, अच्छे से ब्लेंड कर ले ताकि ऑयल जूस सब आपस में मिक्स हो जाए। ये बन के रेडी हो गया गाइज आपका हेयर ट्रीटमेंट वाला फॉर्म्यूला। बस इसकी जो कुछ ड्रॉप्स है ना आपको अपनी जड़ों में, अपने स्कैल्प में डालनी है, जहाँ पे भी आपको बालों की ग्रोथ नहीं दिख रही है पहले मैं तो आपको बोलूँगी वहाँ पे ट्राई करें। विद इन फ्यू डेज आप रिजल्ट देखे, बकायदा अपने आँखों से रिजल्ट देखे और उसके बाद आपको इसको पूरे बालों में अप्लाई करना है तो करें, लेकिन अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ये करें। मैं तो आपको बोलूँगी पूरे बालों में ही अप्लाई कर ले, हर जगह से आपके बालों की ग्रोथ होनी चाहिए, राइट। तो जहाँ पे भी आपको बॉल्डनेस की, गंजेपन की, एलोपेशिया की प्रॉब्लम है वहाँ पे अप्लाई करें। एलोपेशिया के लिए भी 110% इफेक्टिव है, बट फॉर दैट आई विल हाईली सजेस्ट टू यूज डर्मा रोलिंग, ठीक है। डर्मा रोलिंग आपको करनी है, उसके बाद में आपको ये अप्लाई करना है। प्लीज एक बार ट्राई करके देखे, अगर आपको इससे रिजल्ट नहीं मिला तो नीचे आके मुझे कमेंट करके बताना, मैं खुद आपके सर पे आके डर्मा रोलिंग करूंगी और जूस लगा के देखूंगी ये कैसे रिजल्ट नहीं मिलता है। बहुत ज्यादा इफेक्टिव है गाइज, बिलीव मी। जो हेयर ट्रांसप्लांट भी होता है ना, इतने पैसे खर्चा करने के बाद इतना आपको जो रिजल्ट दिखता है ना, वो इससे आपको फ्यू डेज में दिखेगा, ठीक है। अगर आप पैसे खर्चा करना चाहते हो डेफिनेटली आप कर सकते हो वो सारी चीजें करके, उसके बाद भी लोगों को रिजल्ट नहीं दिखता, लेकिन इससे आपको 110% रिजल्ट मिलेगा बिना पैसे खर्चा किए, क्योंकि ये नेचुरल रेमेडीज है। हमारी सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन नेचर में प्रेजेंट है गाइस, तो प्लीज इसको यूज करें। अगर आपकी जो, जैसे मैंने कहा, खेती बंजर है तो थोड़ा सा उसको रोलिंग करें ताकि आपके फॉलिकल्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाए, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगे, ऑक्सीजन का फ्लो अच्छे से होने लगे, उसके बाद ये जूस डाले, वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाए, वो नरिशमेंट पहुंचाए। अनियन के जरिए जो सल्फर है ना वो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ पैदा करता है, फॉलिकल्स को आपके मजबूत कर देता है, जड़ों को आपकी पकड़ लेता है, आपके रूट्स को स्ट्रेंथन करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। और उसके साथ जो रोजमेरी मैंने डाला है ना इसमें, ये ऐसा कमाल करता है आपके बालों की ग्रोथ के लिए, आपके बाल इतने तेजी से बढ़ने लगते हैं। और ये कॉम्बिनेशन में यूज करते हो तो तेजी से डबल ट्रिपल हेयर ग्रोथ आपको इससे देखने को मिलती है। तो लंबाई अगर आप चाहते हो वो मिलेगी, मोटापा चाहते हो, थिकनेस चाहते हो वो मिलेगी, घनापन चाहते हो, डेंसिटी चाहते हो वो मिलेगी, हेयर फॉल को रिड्यूस करना चाहते हो वो खत्म हो जाएगा, हेयर ब्रेकेज को, हेयर ब्रेकेज भी थोड़ा बहुत आपका हो सकता है इससे अगर आप, क्योंकि हम इसको लेंस में अप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, तो फिर भी, लेकिन हेयर फॉल आपका इससे पूरा कम हो जाएगा। इसको प्लीज़ प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। और हाँ, इसमें क्योंकि थोड़ी सी जो स्मेल आती है अनियन की, मैं नॉर्मली जो रेमेडी यूज़ करती हूँ वो ये वाली रेमेडी है, ये कॉम्बिनेशन है जो मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये जो स्मेल से बचने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा लैवेंडर एसेंशियल ऑयल भी डालती हूँ, ये भी एज गुडनेस का ही, अगर आप चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। तो इसकी बदबू से थोड़ा सा पीछा छूट जाता है मेरा, और वॉश करने के बाद भी वो स्मेल उतनी नहीं रहती है, तो ये मैं डाल के इसको यूज़ कर लेती हूँ, तो मेरी ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है और रिजल्ट मुझे इससे इतने अच्छे मिले मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। लेंथ हो, थिकनेस हो, डेंसिटी हो, वॉल्यूम हो, आप अपने बालों में सब कुछ देख सकते हो। स्प्लिट एंड्स अगर आप अपने टिप्स पे अप्लाई करोगे, स्प्लिट एंड्स भी जाते हैं, लेकिन उतने ज़्यादा मेरे पास जूस बचता नहीं है तो इसलिए मैं अप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे इतने ज़्यादा है भी नहीं। हाँ, लेकिन स्कैल्प से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, जैसे स्ट्रेस से, वेट लॉस वगैरह से जो बाल झड़ते हैं, तो उससे ही सारी प्रॉब्लम जो है मैंने दूर की है। तो प्लीज़ इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें, अपने घर बैठे इसको, इसका रिजल्ट देख सकते हो गाइस। अच्छे से अपने जड़ों में बस कुछ ड्रॉप्स, जहाँ जहाँ पे आपको दिख रहा है वहाँ पे कुछ ड्रॉप्स डालना है, अच्छे से हल्के हाथों से रब करना है। डर्मा रोलिंग प्लीज करो अगर आप अपने बालों की न्यू ग्रोथ चाहते हो तो। हेयर फॉल रिड्यूस करना है सिर्फ, सिंपली थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ चाहिए, डायरेक्टली भी अप्लाई करोगे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन डर्मा रोलिंग के साथ करोगे तो 100-200,000% आपको रिजल्ट मिलेगा। डर्मा रोलिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है, लोग पूछते हैं, मैंने ऑलरेडी किया है फिर भी पूछते हैं, तो मैं उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, उसको भी जरूर चेकआउट करें, ठीक है। कौन सा यूज़ करना है, कौन सा नहीं यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है वो करें, और उसके बाद में जूस अप्लाई करें, रहने दे, ठीक है। विद इन वन यूज आप देखोगे कि जितने आपके पहले बाल झड़ रहे थे ना, उससे एटलीस्ट आपके 70-80% लेस झड़ेंगे एक एप्लीकेशन में, ठीक है। जितना आप रेगुलरली अप्लाई करते जाओगे हेयर फॉल तो भूल ही जाओ, न्यू हेयर ग्रोथ आप अपने बालों की वाकई में न्यू हेयर ग्रोथ वहां पे होते हुए देखोगे। इसको रखे तकरीबन, मैं आपको बोलूंगी कि इसको ना 40-45 मिनट्स के लिए रहने देना अपने बालों में, या अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड कर सकते तो मैक्सिमम 1 आवर, 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स बहुत हो गया, उसके बाद में आप अपने बालों को वॉश करें। मैं आपकी वाकई में हेल्प करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और लोगों को इससे डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करें। गंजे सर में थोड़े से कम बाल है, डेंसिटी कम है, थिकनेस कम है, हेयर फॉल ज़्यादा है और बालों की ग्रोथ नहीं हो रही, कोई भी रीज़न है, इसको ट्राई करें और अपने बालों की काया पलटे, बालों की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें।
गाइस प्लीज इसको एक बार जरूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स आके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे बहुत सारे वीडियोस को देखने के लिए। मैं राबिया फिलहाल के लिए साइनिंग ऑफ, मिलूंगी मेरे अगले वीडियो में। इसी तरह से आपकी घर बैठे आसान और इफेक्टिव तरीके से आपकी स्किन की, हेयर की और हेल्थ की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू गाइस, बाय बाय।